रेणुका चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में संगड़ा में हुआ भाजपा अभ्यास वर्ग, जिसमें 123 पोलिंग बूथों से बूथ अध्यक्ष पालक व वीएलए तथा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा भाजपा मंडल पूरी कार्यकारिणी प्रभावशाली व्यक्ति ने इस अभ्यास वर्ग में भाग लिया। इस अभ्यास वर्ग में राजनीतिक गुरु हिमाचल प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने मेरा परिवार भाजपा परिवार पर बल दिया तथा सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में अनुशासन के तौर तरीके भी बताए। मोदी सरकार के कार्यकाल के जो भी कदम जनहित के लिए किए गए हैं वे भी बताए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार जयराम ठाकुर की उपलब्धियों के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। पार्टी में सदस्यता जिसके लिए सरकार द्वारा लाभान्वित हुए हैं वे उसके घर जाकर पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार की युवा देश सरकार की उपलब्धियों को विस्तृत जानकारी बताए। रेणुका मंडल का भाजपा कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में मंडल के पदाधिकारी, जिला में जो रेणुका से पदाधिकारी हैं, प्रदेश में जो रेणुका से पदाधिकारी हैं और हमारे त्रिदेव बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए मंडल के वो कार्यकर्ता, दायित्व वाले कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन में आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव के लिए आज से लेके 19 मई तक जो कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने करने हैं, जो जो कार्य करने से भारतीय जनता पार्टी हमारे रेणुका क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगी पार्लियामेंट के चुनाव में, वो सभी बातें आज कार्यकर्ताओं को के साथ हमने साझा की है। क्या आप सर रूठों को मनाएंगे? सर यहाँ रेणुका क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ हमारे कार्यकर्ता एक बागी उम्मीदवार के साथ चले गए थे और न केवल उन कार्यकर्ताओं को लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी कार्यकर्ता रेणुका क्षेत्र का या पूरे सिरमौर का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हो, मोदी जी, अमित शाह जी और जयराम जी के नेतृत्व में विश्वास करता हो, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के में विश्वास करता हो, उन सभी लोगों को हम पार्टी में स्वागत करेंगे। ये सब अपने माननीय विधायक जी जो विनय जी हैं उनके मन की कल्पना मात्र है। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी रेणुका विधानसभा क्षेत्र में, वो तब भी विकास नहीं करा सके। आज जयराम जी के नेतृत्व में रेणुका विधानसभा क्षेत्र में अनेकों अनेक विकास के कार्य हुए हैं, जिनमें माननीय बलबीर जी का, प्रताप चौहान जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, इनका योगदान है। अनेकों यहाँ हमारे 2 सब डिवीजन बने हैं, अनेकों स्कूल अपग्रेड हुए हैं, उसके अलावा भी आपके हरिपुरधार में नया हॉस्पिटल खोलने की घोषणा हुई है, अनेकों अनेक विकास के कार्य माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। और इसके अलावा भी हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना हो, चाहे हमारे 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान हो, अनेकों अनेक कार्य जयराम जी ने 1 साल में किए हैं। और इस बार हमको पूरा विश्वास है रेणुका मंडल में पूरे हमारे कार्यकर्ता लगन से काम करेंगे और इस बार कांग्रेस को यहाँ से पछाड़ के दिखाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस मौके पर रतनपाल शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विनय गुप्ता, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं निदेशक वन मंडल हिमाचल प्रदेश रामेश्वर शर्मा, जिला कृषि एवं विपणन बोर्ड अध्यक्ष जिला सिरमौर दीप राम शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेणुका विकास बोर्ड श्री प्रताप सिंह तोमर, मंडल अध्यक्ष भाजपा रेणुका तथा पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस उपलक्ष्य में पार्टी ने संगठित होने का संकल्प दिलाया, साथ साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में मिलने की प्रक्रिया भी जारी रही।